ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହ ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା, ଆଉ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରି ପୂଜାର ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା। ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରର ଜୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମା ପୁରା ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଜି ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ଦିନର ପୂଜା ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ମାତା, ଆଜି ତାଙ୍କରି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଅ ଜଣ ମାତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏଠାକାର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ ହେ ଆପକା। ଆଜ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହେ, ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହେ, ସ୍କନ୍ଦ ମାତା କି ପୂଜା ହେ, କେସା କୋନ କୋନ ବିଧି ଥା, କ୍ୟା କା ବିଧି ଥା ଆଜ? ଦେଖିଏ ମ୍ୟାମ, ହମ ଲୋଗ ୟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋ ହେ, यहाँ माता जी को जो स्थापना का कार्यक्रम है, हम लोग सन 2000 से कर रहे हैं और 2020 तक हम लोगों ने यहाँ रामलीला का भी कार्यक्रम रखा, रावण दहन का कार्यक्रम भी होता था। कोरोना काल में 2 साल से बंद है और उसी के बाद से अभी हम लोग प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। यह हम लोग का 23वां वर्ष है और आज पंचमी के दिन जैसे गांव में परंपरा है कि गांव की जो देवी होती है, गांव की रखवाली करने वाली देवी होती है जिसे हम शीतला मैया कहते हैं, तो आज पंचमी के दिन हम लोग पूरे अपने मंडली के साथ में यहां से ठाकुर देव का जो स्थान होता है गांव में, वहां पर हम लोग खड़ाऊ का पूजन करते हैं और गांव की जो शीतला माता है वहां पर ध्वजा, नींबू, नारियल, दूध, पंचामृत आदि सामग्री ले जा करके वहां से माता जी को हम मन्नत मांगते हैं कि हे माता, हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों को और साथ ही साथ पूरे संसार को सुख शांति प्रदान करें और जो जो भक्तगण यहां मनोकामना ज्योति कलश जो प्रज्वलित कराते हैं जिस मनोकामना के साथ में, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी हम लोग माता से आशीर्वाद लेकर के और वहां से कुछ जो देवता रहते हैं उनको हम लोग यहाँ स्थान मिलाते हैं माता जी का और यहाँ विराजित करते हैं और वहां से बाजा गाजा के साथ में यहाँ आकर के फिर माता जी का पूजा करते हैं। और चूंकि आज पंचमी है तो आज पंचमी के दिवस से माता का जो श्रृंगार होता है उसे हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि माता जी को आज चुंडी चढ़ाई जाती है और सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, साड़ियां चढ़ाई जाती है और सभी माताओं को, और जैसे आप देख रहे हैं काल भैरव और लाल भैरव, इनका भी हम लोग पूजन करते हैं। ये दोनों मुख्य द्वार पर इसलिए रखते हैं कि हम लोगों की ऐसी आस्था है कि जहां पर माता विराजमान होती है वहां किसी प्रकार से बुरे जो प्रवृत्ति है या किसी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो पार करके हमारे इस मंच तक नहीं जा सकती हैं, जिनका रखवाली हमारे काल भैरव और लाल भैरव के रूप में आप देख रही वो करते हैं। ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, କାଲ ଭୈରବ ଏବଂ ଲାଲ ଭୈରବଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ଲାଗି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ସହଯୋଗୀ ସୁମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନବଦେବୀ 9 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ସହ କମିଟିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। आज नवरात्रि की पूजा है, पंचमी दिन का पूजा है, कैसे चल रहा है पूजा, कैसे श्रृंखलित होगा पूजा, इसके लिए क्या क्या सब नियम? अब पूजा तो अच्छा चल रहे हैं और नियम तो खैर बहुत सारी है, उसके बारे में उतना मेरे नॉलेज नहीं है। बुजुर्ग लोग बताते हैं सब ऐसे करना है ऐसे करना करके, तो उसी के आधार में करते हैं। कमेटी पूरे मोहल्ले वाले हैं, सबका सहयोग रहता है, सब आते जाते हैं। आरती में भी अपार भीड़ रहती है हमारे यहाँ, शाम को 7:30 बजे होती है संध्या, बहुत भीड़ रहती है।
ठीक है जहाँ देखु थे पूरा चित्र आपको मो कैमेरा पर्सन सुमंत आपको चित्र देखा कि भाव श्रृंखलित भाव में माँ पूजा हो पार से नहीं कमिटी जो अध्यक्ष रही कमिटी सदस्य मैंने तत्पर पूरा श्रृंखलित भाव में कि भाव में माँ नौ दिन पर्यंत पूजा हे पूरा चित्र आप देखते आम आपको छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर आपको पूरा चित्र देखा रायपुर कैमेरा पर्सन सुमंत साहू विद्युत प्रभा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।